मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ आज मंडला के दौरे पर हैं। इस दौरान आज वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में वो महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार, सतपुड़ा भवन में आगजनी, पोषण आहार घोटाले सहित तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है, तो वह इस मुद्दे को उठाएंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ से लेकर कांग्रेस के सभी बड़े नेता अलग अलग जिलों में ये प्रदर्शन करेंगे और शामिल होंगे। कृपया कर सभी हमारे साथियों से अनुरोध है कि सामने मंच में व्यवस्था बनाने का कष्ट करें। सभी हमारे साथियों से अनुरोध है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने बताया है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर आज प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस कमेटियां द्वारा सुबह 11 बजे से भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मंडला में आयोजित जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन में कमलनाथ शामिल होंगे। स्वागत की बात। सभी साथियों से अनुरोध है और मैं सर्वप्रथम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दोनों से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया आए और माननीय मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी का स्वागत करें। जिला वे यहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने मंडलम एवं सेक्टर कार्यकर्ता के साथ बैठक कर जनसभा को संबोधित करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कमलनाथ के आगमन को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। कांग्रेस द्वारा शुक्रवार को सभा स्थल पर प्रेस वार्ता कर तैयारियां एवं कार्यक्रम की जानकारी ऑलरेडी दे दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री का स्वागत करने का कृपा करें। साथ ही मंडला जिला के प्रभारी और सह प्रभारी माननीय भाई दिनेश यादव जी, भाई मामू जी से अनुरोध करूंगा, प्रभारी सह प्रभारी की कृपया कर वो आए और माननीय हमारे अतिथि का स्वागत करने का कष्ट करें। इसके उपरांत प्रभारी सह प्रभारी के उपरांत नगर पालिका मंडला और नैनपुर के अध्यक्ष और पार्षद गणों से अनुरोध है। उपाध्यक्ष मंडला से नगर पालिका के उपाध्यक्ष कांग्रेस के प्रवक्ता महेंद्र मूले ने प्रेस वार्ता में बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कमलनाथ प्रातः 10 बजे महाराजपुर हेलीपैड पहुंचेंगे। सभा 10 बजे रानी दुर्गावती स्मारक में प्रतिमा का पूजन व माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। 10:30 बजे स्थानीय सर्किट हाउस में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। 11 बजे स्टेडियम के पास जनसभा स्थल पहुंचकर मंडलम एवं सेक्टर की बैठक लेंगे। कांग्रेस जनों से चर्चा भी करेंगे। 11:30 बजे जनसभा को संबोधित करने के बाद 12:30 बजे स्वर्गीय संजय परिहार के आवास पहुंचकर संवेदना व्यक्त करेंगे। कमलनाथ के इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। जिले भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। कांग्रेस कमेटी ने जिले के समस्त कार्यकर्ताओं व आमजन से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अपील की है। इस दौरान बिछिया विधायक नारायण पट्टा, निवास विधायक डॉक्टर अशोक मासकोले, जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी सहित कांग्रेस के अनेकों लोग मौजूद थे। आज होने वाले प्रदर्शन में AICC के जनरल सेक्रेटरी और मध्य प्रदेश के प्रभारी JP अग्रवाल ग्वालियर में शामिल होंगे। पूर्व CM दिग्विजय सिंह दतिया जाएंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह उज्जैन में होंगे। विवेक तनखा और संजय कपूर जबलपुर में होंगे। सुरेश पचौरी भोपाल में होंगे। अरुण यादव बुरहानपुर, कांतिलाल भूरिया झाबुआ, अजय सिंह सीधी, सह प्रभारी CP मित्तल सतना, सज्जन सिंह वर्मा देवास, NP प्रजापति नरसिंहपुर, जीतू पटवारी इंदौर और कमलेश्वर पटेल रतलाम में आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। आज उस तरफ से उतरते जाए भाई, सभी लोग से अनुरोध है कि कृपया कल मंच में व्यवस्था बनाए। सभी साथियों से अनुरोध है। मंडला से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। पूर्व CM कमलनाथ जी जनसभा संबोधित कर रहे हैं। लगता कुछ हंगामा हो गया है। तो कमलनाथ जी का यहाँ स्वागत किया जा रहा है। अनुरोध करते हैं सभी साथियों से कि मंच में व्यवस्था बनाने की कृपा करें।
बनाकर मंच में व्यवस्था बनाए। कृपा कर सभी साथियों से अनुरोध है मंच में जब व्यवस्था बनाए आप लोग कृपा कर खाली करें। कृपा कर मंच में व्यवस्था बनाए और इसके उपरांत हमारे नीचे जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष खड़े हैं वो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वो आ जाए और स्वागत करके नीचे चले जाए। ब्लॉक अध्यक्ष भाई सरजू राजीव सिंह ने बताया कि पिछले महीने उज्जैन महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार और घटिया चाइनीज मटेरियल से बनाई गई सप्त ऋषियों की मूर्तियां हल्के आंधी तूफान से गिरकर खंडित हो गई थी। बीते 12 जून को भोपाल में मंत्रालय के सामने फायर स्टेशन होने के बावजूद सतपुड़ा भवन 20 घंटों तक आग में महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों का जलकर खाक होना और सरकार द्वारा अग्निकांड की निष्पक्ष जांच कराना, प्रदेश में बड़े पैमाने पर बार बार बिजली कटौती, भीषण गर्मी में किसान व आमजनों को हो रही परेशानी सहित प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, घोटाले, बढ़ती महंगाई, रसोई गैस, डीजल पेट्रोल के दामों में भारी वृद्धि, बेरोजगारी, किसानों, महिलाओं, अबोध बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार आदि मुद्दे धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से उठाए जाएंगे। धरना प्रदर्शन में जिला विधानसभा ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी, मंडलम सेक्टर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं सहित कांग्रेस पक्ष के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों सहित स्थानीय लोग शामिल होंगे। आज राधे साह जी आदिवासी कांग्रेस के कृपया जाएं। आज जन जन के नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय कमलनाथ जी का 24 जून वीरांगना रानी दुर्गापति बलिदान दिवस के अवसर पर माहिष्मती नगरी में आगमन पर बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस मंच के माध्यम से मैं एक आवाज देना चाहता हूं कि आप लोगों के तरफ से एक आवाज आनी चाहिए, आवाज दो, आवाज दो, मां नर्मदा की, नर्मदा मैया की, बोलो बजरंग बली की, बोलो बजरंग बली की। साथियों मंचासीन परम श्रद्धे माननीय कमलनाथ जी, हमारे जिला कांग्रेस संगठन के प्रभारी बहुत ही सम्मानित आदरणीय दिनेश यादव जी, सम्मानी विधायक नारायण सिंह पट्टा जी, माननीय विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले जी हमारे बीच मौजूद, हमारे नेता, हमारे लाडले नेता माननीय लखन गंगोरिया जी, आदरणीय ओमकार सिंह मरकाम जी, आदरणीय भूपेन जी, मंचासीन सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। माननीय कमलनाथ जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्यार और जो स्नेह आपसे इस मंडला को मिला है ये मंडला वाले कभी भूलेंगे नहीं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके द्वारा इस मिले प्रेम और स्नेह का तीनों सीटें जीत करके मंडला के ये कांग्रेस कार्यकर्ता आपकी झोली में डालने वाले हैं और इस प्रदेश के मुखिया माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। इस बात की हमें चिंता नहीं क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने भी ये देखा है कि ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये घोटालेबाज सरकार, ये 50% वाली भाजपा सरकार की कलाई अब खुलने लगी है। महाकाल लोक के अंदर में जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। साथियों इनके घोटालों की परत उजागर हुई है। जिस प्रकार से मामूली हवाओं में यहाँ की मूर्तियां उड़ गई तो एक बात कहना चाहूंगा कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा और वो दिया माननीय कमलनाथ जी हैं। इस मध्य प्रदेश के लाडले
भावी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का हृदय से माधमती नगरी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। यहाँ के कार्यकर्ताओं को जो आपसे ऊर्जा मिली और संबल मिला, इसका हम जवाब इस बात से देना चाहते हैं कि माननीय कमलनाथ जी, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि तीनों विधानसभा जीतकर जब तक आपकी झोली में नहीं डाल दें, जब तक ये कार्यकर्ता शांति से नहीं बैठेगा। आज मुझे बोलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं, यहाँ की जनता माननीय कमलनाथ जी को सुनने आई है, उनको सुनना चाहती है। एक बार चाहूंगा कि जोरदार नारे के साथ जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश तिवारी जी, और बहुत ही सम्मान के साथ मध्य प्रदेश आदि कांग्रेस के माननीय रामू तेकाम जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। तो राकेश तिवारी के बाद रामू तेकाम जनसभा संबोधित करेंगे। मैं सर्वप्रथम मां नर्मदा जी के चरणों को नमन करता हूं और इस गोंडवाना की पावन धरा पर हमारे गोंडवाना वंश की महारानी, भारत देश का गौरव, आदिवासी समाज का गौरव महारानी रानी दुर्गावती के इस शहादत दिवस पर उनके चरणों को सत सत नमन करता हूँ, सेवा जोहार पेश करता हूँ, स्वागत वंदन और यहाँ पे आए सभी लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं चंद पंक्तियों के साथ अपनी बात को शुरुआत करना चाहता हूँ साथियों, कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, मेहनत हमें कुछ करके दिखाना होगा और कुछ नहीं होगा अंधेरों को गाली देने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। साथियों आज मध्य प्रदेश की पावन धरा मंडला पर मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री परम आदरणीय कमलनाथ जी का हम स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं, साथ में मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। साथियों माननीय कमलनाथ जी, आज के इस मंच से मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह गोंडवाना की पावन भूमि है और आपने गोंडवाना और गोंडवाना गोंड समाज के सम्मान के लिए आपने प्राथमिक शिक्षा में आपने गोंडी भाषा को सम्मिलित करने का काम किया था। मेरा अनुरोध और निवेदन है कि हमारे आदिवासी भाइयों और गोंड समाज के सम्मान में आप गोंडी भाषा को प्राथमिकता देंगे और पूरे पाठ्यक्रम में शामिल करने का काम करेंगे। और माननीय कमलनाथ जी, यहाँ पर उपस्थित जनता की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, केवल मध्य प्रदेश के आदिवासी नहीं पूरे भारत देश के आदिवासियों की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब मध्य प्रदेश में आप मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार बनी, आपने 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस में छुट्टी देने का काम किया और पूरे आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया। माननीय कमलनाथ जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ढोंग करते हैं, वो कहते हैं कि मैं आदिवासियों का मसीहा हूँ, ये सब जानते हैं यहाँ पे बैठे हमारे कांग्रेस के भाई और सभी हमारे आदिवासी मध्य प्रदेश के जानते हैं कि सबसे ज्यादा अत्याचार शोषण अगर कहीं हो रहा है तो हमारे मध्य प्रदेश की धरती में हो रहा है। चाहे हम नेमावर की बात कर ले, चाहे हम मंदसौर की बात कर ले, चाहे हम महू की बात कर ले, चाहे हम लटेर की बात कर ले, हर जगह आदिवासियों के ऊपर गोली चलाने का काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार कर रही है। आज यहाँ पर उपस्थित हमारे कांग्रेस के भाई, एक एक सिपाही, ये कोई ठेका और कोई कमीशन मांगने नहीं आए हैं, ये चाहते हैं कि देश की रक्षा हो, संविधान की रक्षा हो और लोकतंत्र की रक्षा हो। जब सरकार गिरी थी माननीय कमलनाथ जी, आप भी सरकार को खरीद सकते थे, लेकिन आप मध्य प्रदेश को कलंकित नहीं करना चाहते थे, आपने संविधान का सम्मान किया, आपने लोकतंत्र का सम्मान किया और मध्य प्रदेश की रक्षा की। और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे कांग्रेस पार्टी के साथियों से, भाई बहनों से, मेरे आदिवासी भाइयों से और मंच पर उपस्थित आदिवासी भाई बहन और कांग्रेस साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे बीच में मध्य प्रदेश की वो शख्सियत, भारत देश की वो शख्सियत बैठी है जिनका राजनीतिक जीवन स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ शुरू हुआ था। ये बदलाव का समय शुरू हो चुका है और सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके माननीय कमलनाथ जी को विश्वास दिलाइए, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करें और माननीय कमलनाथ जी को विश्वास दिलाइए और वचन दीजिए कि इस वीरांगना रानी दुर्गावती की भूमि पर आने वाले
वाले विधानसभा चुनाव में हम कांग्रेस को वोट देकर माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। और माननीय कमलनाथ जी, एक और अनुरोध है मेरा, पूरे मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षा पूरी ध्वस्त हो चुकी है और आदिवासी भाइयों के लिए हॉस्टल भी अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बंद करना चाहती है। हॉस्टलों में भी कोई सुविधा नहीं है। जहां पे अमरकंटक में हमारे आदिवासी यूनिवर्सिटी है, आज हमारे आदिवासी भाइयों को वहां मौका नहीं मिल रहा, वहां पे सुविधाएं नहीं है। बात केवल अमरकंटक की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी छात्रावासों की जर्जर अवस्था है। हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासी भाइयों को अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा रोजगार मिले। और मुझे पूरा विश्वास है माननीय कमलनाथ जी टेलीविजन वाले नेता नहीं है, ये विजन वाले नेता है। ये हमारे भविष्य को भी संवारेंगे और मध्य प्रदेश को भी बचाएंगे और हमें रोजगार और विकास भी देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय कमलनाथ, जय कांग्रेस, जय आदिवासी भारत माता की जय, जय गोंडवाना, जय रानी दुर्गावती। बहुत बहुत धन्यवाद रामू तेकाम जी। और बहुत ही सम्मान के साथ बिछिया विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक माननीय नारायण सिंह पट्टा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना उद्बोधन यहां। नारायण पट्टा लाइव है, देखिए। धन्यवाद। आज गोंडवाना की धरती गणा मंडला में वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान अवसर पर हमारे बीच हम आप सबके शुभचिंतक और देश और प्रदेश के जाने माने नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं पूरा जन समुदाय से आग्रह करना चाहता हूं कि अपना हाथ उठा करके ताली बजा करके उनका अभिवादन करें, ताकि ये गढ़ा मंडला की धरती पर माता रानी दुर्गावती की बलिदान दिवस पर आप अगर यहां पर उपस्थित हुए हैं तो निश्चित रूप से असली बलिदानी का अगर कोई हक है तो ये मंच के सामने बैठे हुए हमारा एक एक समाज का साथी है। आदरणीय कमलनाथ जी, मंच पर उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे निवास के विधायक अशोक मर्सकोले जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय लखन गनगोरिया जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय ओमकार मरकाम जी, हमारे आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई रामू टेकाम जी, हमारे निवास के हमारे सहपुरा के विधायक आदरणीय भूपेंद्र मरावी जी, हमारे मंडला के पूर्व विधायक संजू उइके जी, हमारे सभी अनुवांशिक संगठनों के सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक से आए हुए मंडलम और सेक्टर NSY यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस के सभी सम्मानित साथी और पत्रकार के साथियों, हम सबके लिए आज गौरव का विषय है। हम सबके लिए एक बहुत ही जज्बा और उल्लास का समय है कि इसलिए कि आज गोंडवाना की धरती और वीरांगनी रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर अगर यहाँ कमलनाथ जी आए हुए हैं तो निश्चित रूप से हमारे और आपके सामने जो 2023 का चुनौती समय है, उस चुनौती समय का यहाँ पर शंखनाद करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि 18 साल से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से आप लोगों के साथ शोषण, बलात्कार, अत्याचार और आज आप सब लोगों को शोषित वंचित में रख करके आप लोगों को लूटने का काम किया है, अब वो लूटने का काम करने के लिए आप लोगों को 18 साल का जवाब आज आपके अपने अपने पोलिंग बूथ में देने का काम करेंगे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आदरणीय कमलनाथ जी को पूरे प्रदेश की चिंता है और उन्हें प्रदेश की हर वर्ग, हर नागरिक और हर समाज की चिंता है। वो दिन रात हर वर्ग के लोगों से मिलते हैं और उनकी चिंता करते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यही वो कमलनाथ जी हैं जो मंडला के आदिवासियों के लिए, यहां के सर्वहारा वर्ग के लिए हमेशा उन्होंने रोजगार के प्रति, व्यवसाय के प्रति और शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति आप चिंता करते रहते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं साथियों, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है लगातार आया करके झूठी घोषणाएं करते हैं, यहां पर आदि उत्सव आदिवासियों को इकट्ठे करके आदि उत्सव करने का काम करते,
करते हैं। आपने इस बार देखा है आदि उत्सव का किस तरह से हसन हुआ है। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने हमारे आदिवासी जिला के सारे 9 विकास खंडों में, इन्होंने 9 विकास खंडों में 50-50 लाख रुपए का आदिवासी और संस्कृति भवन का स्वीकृत किया था। हमारे मंडला जिले के चौगान मड़िया जो आदिवासियों का प्रमुख स्थान है, वहां के लिए आपने जो है 1 करोड़ रुपया देने का काम किया था। और आपको बता देना चाहता हूं साथियों, ये वही कमलनाथ जी की सरकार है जो हमेशा आदिवासियों की चिंता करने वाली सरकार है। अगर बच्चा भी आदिवासी के घर में जन्म होता था तो उस समय 50 किलो अनाज निःशुल्क दिया जाता था। अगर किसी की अगर अंतुष्टि हो जाती थी तो अंतुष्टि का कार्यक्रम करने के लिए माननीय कमलनाथ जी 1 क्विंटल वो से आदिवासी समाज को निःशुल्क अनाज दिया करते थे। मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मंजीरा और झांझ देकर के हमको ताली बजाना ही सिखाया था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यही वो कमलनाथ जी की सरकार है साथियों। हर राजस्व ग्राम को, हर आदिवासी गांव को 25-25 हजार रुपए का बर्तन देने का काम अगर कोई किया है तो हमारे आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ने किया है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज बलिदान का दिवस है, ये गौरव यात्रा निकल रहे हैं माननीय कमलनाथ जी, इनके लिए गौरव का विषय हो सकता है लेकिन हमारे लिए ये बलिदान का समय है। हम आप सब लोग जो है कांग्रेस के लिए यहां पर बलिदान देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमने जो है मंडला जिले के एक ऐतिहासिक आपने स्वीकृति दिया था माधोपुर में बिछिया विधानसभा के अंतर्गत में डिप्लोमा वेटरनरी कॉलेज, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई आज भी स्वीकृत है। आपने जो है चालू करने के लिए 1 करोड़ रुपया दिया था लेकिन आज भी हमारे नौजवानों के साथ में अगर कोई उनके जीवन को अंधकार में ढकेलने का काम किया तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ऐसे अनेक जो है बहुमुखी काम है, चहुमुखी काम है, क्षेत्र के विकास के लिए, जिले के विकास के लिए आपने यहां पर जो है, सबको पता है जब कांग्रेस की सरकार थी यदि अगर मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति किसी ने दिया था तो माननीय कमलनाथ जी ने दिया था। और आज भी मेडिकल कॉलेज का नाम भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी नहीं लेता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं 5 महीने के बाद माननीय कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, हाथ उठा करके बताइए। निश्चित रूप से अगर मेडिकल कॉलेज खोलने का काम कोई करेगा और यहाँ पर उच्च शिक्षा खोलने का काम कोई करेगा तो माननीय कमलनाथ जी करेंगे। मैं निश्चित रूप से एक बार आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। माननीय साहब एक और निवेदन है, उनकी बात सिर्फ आप चिंता करते हैं, हमारे पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, हमारे प्रदेश की सुरक्षा करती है, एक जन जन की सुरक्षा के पीछे जो हमेशा तैनात रहती है। आज इस पुलिस का अगर गलत इस्तेमाल कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। जब आपकी सरकार थी तो पुलिस वालों के लिए आपने 1 दिन का अवकाश दिया था और आज वो 1 दिन का अवकाश भारतीय जनता पार्टी ने जो है बंद कर दिया। प्रदेश में इतने पद खाली पड़े हुए हैं लेकिन आज भी जो है एक प्रभारी प्रतिनियुक्ति के नाम पर इन लोगों ने मिशन चलाई थी लेकिन किसी भी पुलिस वाले को प्रभारी प्रतिनियुक्ति का पद नहीं मिल पाता है। मेरा आपसे आग्रह है सारे पुलिस वालों, क्योंकि वो लोग कभी प्रतिवेदन दे नहीं सकते क्योंकि अनुशासन से बंधे हुए रहते हैं। पूरे पुलिस विभाग, पूरे प्रदेश की पुलिस विभाग के माध्यम से मुझे कहा गया है, क्योंकि मैंने विधानसभा का प्रश्न भी लगाया था लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झूठी उत्तर दे करके आज भी उन पुलिस की संवेदनाओं को पूरा करने का काम नहीं किया है। जैसे ही कांग्रेस की बनती है हम पूरा कांग्रेस का सरकार और कांग्रेस का सारे जनप्रतिनिधि और कांग्रेस की पूरे कार्यकर्ता उस पुलिस प्रशासन की भावनाओं को आप पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पट्टा जी। अब मैं हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जिला संगठन मंत्री और हमारे जिले के प्रभारी माननीय दिनेश यादव जी और सह प्रभारी ने एक बुनियाद नामक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया है बूथ प्रबंधन का, उसका वो विमोचन करेंगे माननीय कमलनाथ जी से। सभी हमारे साथियों से अनुरोध है, प्रभारी सह प्रभारी संगठन मध्य जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, बूथ प्रबंधन का मॉड्यूल बनाया गया है और इसका विमोचन, इसके उपरांत मैं निवास विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय डॉक्टर अशोक मस्कोले जी को आमंत्रित करता हूं कि कृपा कर वो आए और अपने विचार रखें।
माननीय डॉक्टर अशोक मस्कोले, जल्दी आपको स्पीच देंगे। देखिए मामला सुनाई। माँ नर्मदा के तट पर रानी दुर्गावती राजा शंकर शाह रघुनाथ साहब की भूमि पर हमारे जन जन के नेता आज हमारे बीच में आए हैं। माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे पास आए हैं, और एक ऐसा दिन जब रानी दुर्गावती जी का आज बलिदान दिवस है, उस दिन को चुना और आपने जो आज हम हमारे बीच में रहे, हम इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माननीय कमलनाथ जी, जब भी मंडला की बात आती है, छिंदवाड़ा की बात आती है, तो आप मंडला का नाम जरूर लेते हैं। मंडला का नाम जरूर लेते हैं कि मंडला और छिंदवाड़ा लगभग एक जैसे थे, लेकिन आपकी विजन के तहत आपने छिंदवाड़ा को विकसित किया है। आज आने वाला समय है, जन जन से एक बात उठ रही है कि आज हमारी कांग्रेस की सरकार आ रही है, हमारी भी यही है। हमारे यहाँ के पलायन, विस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसकी स्थिति ऐसी है, लोगों को बाहर जाना पड़ता है। हमारा मेडिकल कॉलेज, हमारा जबलपुर मंडला रोड, उसकी स्थिति गंभीर होती जा रही है। हमारे यहाँ पर पानी की इतनी स्थिति है, लेकिन हमारे यहाँ पर सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हमारा निवेदन है कि यहाँ पर जिस प्रकार से, चाहे निवास क्षेत्र में नर्मदा नदी की बात करें, चाहे बीजेडाड़ी, नारायणगंज सब में सिंचाई के लिए बात कर ले, स्कूलों की बात कर ले, मेडिकल कॉलेज की बात कर ले, आपसे निवेदन है इन विषयों पर उठाना है। यहाँ के लोगों की जब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो यहाँ का जो व्यापारी वर्ग वो संपन्न और सकुशल होगा। तो माननीय कमलनाथ जी, हमारा यही निवेदन है कि जिस प्रकार से आदिवासी समाज जो आज कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है, जैसे कर्नाटक में 17 सीटें थी, ट्राइबल सीट थी, पूरे के पूरे कांग्रेस ने जीता है, और इस बार हमने ये संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश की 47 सीटें पूरी की पूरी कांग्रेस को देंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। जय जय कमलनाथ। विकास की बातें होती है तो हमारा निवास विधानसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, और यही पिछड़ेपन की वजह से निवास जिला बनाने की बातें होती है। तो माननीय कमलनाथ जी, हम यही कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र को, हमारे निवास विधानसभा क्षेत्र के लिए एक विकास का एक ऐसा मॉडल बने ताकि हम अच्छा कुछ कर सके, अपने क्षेत्र को दे सके, यही विनती है। और हम पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं, मंडला की तीनों सीट आपको ला के देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय कमलनाथ। जय जय कांग्रेस। जय हिंद। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक मस्कोले जी, और बहुत ही सम्मान के साथ डिंडौरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय ओंकार मरकाम जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। वीरांगना रानी दुर्गावती के श्री चरणों को नमन करते हुए एक जय घोष हमारे वीरांगना रानी जी दुर्गावती के सम्मान में आप हम लोग लगाएंगे। मैं कहूंगा वीरांगना रानी दुर्गावती, आप लोग कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। वीरांगना रानी दुर्गावती जी, वीरांगना रानी दुर्गावती जी, फड़ा पेंता। हमारे गोंडवाना के पवित्र भूमि पर हमारे अग्रज, हमारे सुख दुख के साथी, और मैं तो ये बात को हमेशा कहता हूं कि शिकारपुर का निवासी है और कमलनाथ भी आदिवासी है। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी हमारे बीच में उपस्थित, हमारे निवास के विधायक डॉक्टर मस्कोले जी और मेरे साथी आदरणीय पिछया विधायक आदरणीय पट्टा जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय विधायक पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया भैया, आदरणीय भूपेंद्र मराबी जी विधायक हमारे सहपुरा, और मेरे छोटे भाई जिनको माननीय कमलनाथ जी ने लोकसभा बैतूल में लड़ाया था, मेरे छोटे भाई रामू तेकाम जी, अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस मध्य प्रदेश, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई सेवा दल, पूर्व विधायक, हमारे सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के साथीगण और सभी सम्मानित साथियों, आज आपके बीच में मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मंडला के सभी जाबाज साथियों को कि माननीय कमलनाथ जी को आप लोगों ने रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर पाकर के जो आप लोगों ने स्नेह दिया है,
माननीय कमलनाथ जी, ये मंडला की धरती पर आज हमारे गुंडवाना के भूमि पर हम आप सब लोग संकल्प लेते हैं कि 4 महीने के बाद आप मुख्यमंत्री के शपथ लेंगे और सबसे पहले मंडला का विकास आपने बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं माननीय कमलनाथ जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी है भाई साहब, इन्होंने हमारे साथ जो अन्याय किया है, मेरे भाइयों आपको एक दिन याद करना पड़ेगा, इस मंडला के धरती पर मांग आता था कि कमलनाथ जी बनेंगे, आदिवासियों के दिवस पर छुट्टी दिया जाएगा, आपने छुट्टी दिया, पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही सबसे पहले हमारा छुट्टी को बंद किया गया। और 2021 में हम लोगों ने छुट्टी मांगा तो शिवराज सिंह ने आग बबूला हो गया कि आदिवासियों के छुट्टी मांगने वाले ये कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी, ये कांग्रेस के विधायकगण आदिवासियों के छुट्टी मांग रहे हैं। शिवराज सिंह जी ने उस दिन आग इतना बबूला हुआ कि उसका परिणाम एक साथ बाद मिला, आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त 2022 को आदिवासियों पे बर्बरता से गोली चलाया गया, आदिवासी स्वर्गीय चैन सिंह भेल मौके पे शहीद हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सरकार की हिम्मत कैसे हुई आदिवासियों के दिवस पर आदिवासियों पे गोली चलाने का? जवाब देने पड़ेगा मोदी जी को, जवाब देने पड़ेगा शिवराज सिंह जी को, और जवाब देना पड़ेगा प्रदेश के भाजपा में आदिवासी नेताओं को कि आदिवासी दिवस के दिन आदिवासियों पर आपने गोली कैसे चलवाया। दूसरी तरफ आज लाडली बहना की बात करते हैं, मैं बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, एक 16 साल की नाबालिग आदिवासी बच्ची, एक 18 साल की बच्ची, एक 14 साल का नौजवान और 45 साल का उनका माँ, ये 2 माह तक उस नाबालिग बच्ची के साथ उसके माँ के साथ अत्याचार कर रहे थे, और इतना ही नहीं 12 फीट गड्ढा में उसको गड़ा दिए, वहां पर नहीं गया, वहां सिर्फ कमलनाथ जी गए और 10 लाख रुपए उनके परिवार को मदद करके आए। मैं पूछना चाहता हूँ शिवराज सिंह, जवाब दीजिए कि आप आदिवासियों को 12 फीट गड़वाने के बाद उनके घर में नहीं गए, आप कौन सी लाडली बहना की बात कर रहे हैं? आप नारी सम्मान नहीं कर सकते। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, एक तरफ ईमानदारी की लड़ाई कमलनाथ जी लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बेईमानी की लड़ाई भाजपा लड़ रहा है। मैं आपको एक चीज की जवाब पूछना चाहता हूं, आज गांव-गांव में जो आवास बना है, मैं गर्व के साथ गढ़मंडला पे कह रहा हूं कि गांव-गांव में जो आवास बना है, माननीय कमलनाथ जी जब केंद्र में मंत्री थे 2008 में 25,000 था आवास का, 2009 में 35,000 हुआ, 2010 में 45,000, 2011 में 48,000, 2013 में 75,000, और मोदी जी आप तो 1,30,000 दे रहे हैं, ईटा और सीमेंट में खत्म हो रहा है, सारे लोगों को कर्जदार बना दिए। आपको समझना पड़ेगा कि लूटने वाली भाजपा की सरकार गांव के लोगों को रोकने का काम कर रहा है। मैं आप सब लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूं कि आज आपके बीच में माननीय कमलनाथ जी, एक भाजपा का मंत्री अभी टिप्पणी किए थे कि कमलनाथ जी ने मंडला को गोद लिया है, क्या किया है सुन लीजिए कुलस्ते जी। कमलनाथ जी से पहले मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, कमलनाथ जी की सरकार में हर गांव के लिए करोड़ों रुपए दिया गया, मैं उस विभाग का मंत्री था, वन अधिकार लागू किए, कमलनाथ जी ने 10 महीने के हॉस्टल को 12 महीने का काम किया, एक क्लब में जाकर पूछिए जहां 1400 आप दे रहे हैं, कमलनाथ जी ने 2500 का काम किया था, आपने फिर उसको 1400 में लाने का काम किया। आज मैं बताना चाहता हूं मंडला का पूरी तरह से विकास के लिए कमलनाथ जी संकल्पित है, हमारे नेता संकल्पित है, और जो रेलवे लाइन का सौगात मिला है, ममता बनर्जी उस समय रेलवे मंत्री थी, माननीय कमलनाथ जी ने कराया था, जो ब्रॉडगेज हुआ है। कुलस्ते जी आप कोई काम के नहीं हो, और एक नेता और आदिवासी को प्रभारी मंत्री बनाए हैं,
उन्होंने इस समय गेहूं गायब कर दिया। बताइए गेहूं मिल रहा है क्या? गेहूं गायब कर दिया। कुलस्ती जी कहते हैं कि मंडला के आदिवासी गेहूं नहीं खाते। वाह कुलस्ती जी, आप गेहूं खाओ, मजे करो और हमारे लोगों को रोटी ना मिले। ये रोटी काटने वाले की रोटी हमको काटना है और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। पर मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक गंभीर बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। मेरे नौजवान साथियों, जो ऊर्जा उत्साह है, जो जज्बा है, पर भाजपा के लोग जिस तरह से आज षड्यंत्र फैला रहे हैं, अभी गोंडवाना के हमारे साथी कमलनाथ जी के लिए कुछ कमेंट्स किए थे, मैं बताना चाहता हूँ कि गोंडवाना का सम्मान हमारे कमलनाथ जी से ज्यादा कोई नहीं कर पाया है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का बंदी गृह को प्रेरणा केंद्र बना के 500 करोड़ की जमीन जबलपुर में अगर दिया है तो वो कमलनाथ जी हैं। माननीय कमलनाथ जी ने हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, आदिवासियों के लिए खजाना खोलने का काम किया है, तो माननीय कमलनाथ जी है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, पर आप सब लोगों से एक विनम्र निवेदन है, आप और हम सबको आज यहां जो उत्साह है, इस उत्साह के साथ आपको जाना पड़ेगा। आपको मंडला में कांग्रेस की झंडा के साथ, मेरे नौजवान साथियों, आप सब लोगों के ऊर्जा को देख के कमलनाथ जी का जो हमारा विश्वास है, इसको हम लोग कायम करते हुए आगे इस जिले के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये प्रधानमंत्री जी और ये शिवराज सिंह जी की बेईमानी को बेनकाब करेंगे। 2023 में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कमलनाथ जी को मैं विश्वास दिलाता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीरांगना रानी दुर्गावती जी, थोड़ा तगड़ा नारा लगाओ यार। वीरांगना रानी दुर्गावती जी, वीरांगना रानी दुर्गावती जी, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी, जय कमलनाथ। और इसके बाद मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ हमारे महाकौशल क्षेत्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक आदरणीय लखन गनगोरिया जी को आमंत्रित करता हूं। आज की सभा में उपस्थित हमारे नेता मध्य प्रदेश की आम जनता की आशा के केंद्र आदरणीय कमलनाथ जी, मंच पर उपस्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री भाई ओंकार सिंह मरकाम जी, विधायक साथी नारायण पट्टा जी, डॉक्टर अशोक मस्कोले जी, विधायक भूपेन्द्र सिंह जी और मेरे साथी भाई रामू टेकाम जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे पूज्य और परिजन, सामने बैठी भारी संख्या में हमारी माताएं बहने, सभी बुजुर्गवार और नौजवान साथियों, आज का ये उत्साह अपने आप में एक मिसाल बना है। और ये सिर्फ मंडला में नहीं है, ये पूरे प्रदेश में है। और मैं कहना चाहता हूं कि दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है और हर रवायतों से बच के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, वापस फिर कमलनाथ जी आए हैं। और कमलनाथ जी न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश में, ये कहा जाता है कि आदिवासियों के हित का चिंतन यदि कोई नेता करता है, कोई नेता करता रहा, तो वो श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी
और उसके बाद दूसरा नाम आता है पूरे देश में आदिवासियों के हितों के चिंतन के लिए, आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए, तो वो कमलनाथ जी का आता है, प्रदेश में नहीं देश में आता है। और आज ऐसे दिन कमलनाथ जी आए हैं मंडला की पवित्र भूमि में, जहां मातेश्वरी माँ नर्मदा जी का की गोद में बसा हो जो शहर, और 460वीं बलिदान दिवस मनाया जा रहा है वीरांगना रानी दुर्गावती जी का। ऐसे पवित्र दिन पे माननीय कमलनाथ जी आए हैं, और मैं समझता हूँ सब ने बड़े विस्तार से पूरी सरकार का चिंतन पाखंड ढोंग सब बता दिया और कमलनाथ जी के विजन को बता दिया। हमारे एक एक नेता ने सारी बातों को बखूबी अच्छे से बताया है, और मैं कांग्रेस के तमाम नेताओं से, तमाम कार्यकर्ताओं से उनके हौसले के लिए कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया, आपने बहुत सह लिया, अब वक्त आपका आ रहा है। और कह दो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भ्रष्टाचार की ये पूरी कहानी खत्म होने वाली है। महाकाल में क्या हुआ, केदारनाथ में क्या हुआ, दरवाजे बेजुबान होते हैं, दरवाजे बेजुबान होते हैं और दीवारों के भी कान होते हैं। और दीवार में क्या हुआ केदारनाथ में, सबने देख लिया। मैं आप सबको इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे नेता को और दूसरे कार्यक्रमों में जाना है, समय ज्यादा न लेते हुए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, और वो अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे चल रहे हैं उनको भी ये ताकीद देना चाहता हूँ कि साख से टूट जाए, साख से टूट जाए हम वो पत्ते नहीं, साख से टूट जाए हम वो पत्ते नहीं। और आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हमारे मंडला जिले ने नारी सम्मान योजना में 1,45,000 फार्म भर के मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारी इस प्रेरणा के कारण हमारे प्रभारी आदरणीय दिनेश यादव जी को सादर आमंत्रित करता हूं। दिनेश यादव जी आए और अपना उद्बोधन दें। हमारे प्रभारी रानी वीरांगना दुर्गावती जी के बलिदान दिवस पर नमन करने पहुंचे इस गौरवशाली भूमि पर हमारे अपने नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, हमारे विधायक सम्माननीय अशोक डॉक्टर अशोक मस्कोले जी, नारायण पट्टा जी, भूपेश मरावी जी, हमारे अपने पूर्व कैबिनेट मंत्री सम्माननीय ओंकार मरकाम जी, हमारे जबलपुर के लोकप्रिय नेता सम्मानी लखन घनघोरिया जी, और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानी राकेश तिवारी जी मंच का संचालन कर रहे हैं, हमारे संगठन मंत्री भाई सुकृति जैन जी, और मंच पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य प्रियजन। जैसा कि आज आपका ये माहौल, ये जज्बा और जज्बात इस बात की गवाही दे रहा है, मैं माननीय कमलनाथ जी को अपने साहब को बताना चाहता हूं कि साहब आपके निर्देशन पर इस मंडला के गांव-गांव और कस्बे तक जाने का मौका मिला है। आपके निर्देशों का जो पालन था, जो आपकी बात थी, उन कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनता तक पहुंचाने का जो अवसर मिला और जो मुझे फीडबैक मिला, इन्हें याद है वो दिन जब आपकी पीठ पर छुरा भौंका गया, इन्हें याद है वो दिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने सरकारी बल पर और धन बल पर आपकी सरकार गिराई, और इन्हें याद है वो पत्रकार वार्ता आपकी, भले ही आपके आंसू न निकले हों, परंतु एहसास है इस दिल को कि हमारे साथ धोखा हुआ है, यह मांडला की जनता जानती है, और इस बात की चुनौती को स्वीकार कर रही है। ये बात हमसे चर्चा करते हैं कि आज अभी कमलनाथ जी चाहते, और जैसा कि ऊपर से माननीय सोनिया गांधी जी का आदेश था, तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनके
आप पूरे देश की सेवा में कांग्रेस की सेवा में लगे होते, परंतु आपने वो चुनौतियों जज्बात को, आपने ये जो कहा है कि मैं मध्य प्रदेश में रहूंगा और इन सारे उन लोगों का सम्मान जिन्होंने 2018 की सरकार में कांग्रेस की सरकार बना के दिया था, उस सम्मान को मैं वापस दिलाऊंगा, इस बात की ये जनता कदर करती है। और आप चाहे तो देख ले, ये लोग तैयार है मानसिक रूप से, हाथ उठा के आपको बताएंगे और अपना स्नेह और आशीर्वाद देंगे कि 2023 में सरकार कांग्रेस की बनेगी। उठाइए भाइयों हाथ, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम दोबारा मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी को बनाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, माननीय कमलनाथ जी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ छुटवैये नेते जो माहौल के कारण फैलती नफरत का फायदा उठा के जिन्होंने बड़े बड़े पद प्राप्त कर लिए हैं, उनके विषय में लोग जानते हैं, उनकी उनकी हैसियत एक पंच सरपंच की भी नहीं थी, परंतु उन्होंने माहौल का फायदा में एक बड़े लीडरशिप को उन्होंने प्राप्त किया है। और अगर वो आज वहां बैठकर हमारे नेता पर टिप्पणियां करते हैं, हमारे नेता को अनर्गल बात करते हैं, और अगर हमारे नेता के खिलाफ कोई बात करते हैं, तो ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। मैं आपसे एक निवेदन के साथ, ये विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं कि अब हमारे चूंकि नेता बोलने वाले हैं, मैं एक बात, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो? जनसभा का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं, आपको देंगे। जय भारत, धन्यवाद। हरि ओम माँ मद्रं कर्णी भी शुणया मदेवा भद्रं पश्ये मा कृता स्थिरे रंग स्तुष्टवागु ससनो प्रवसे महि देव तन्यदायु शतमिन्नु शरदो अंति देवा जत्रान शुक्राज रसंतनु नाम्मा ओम ससिन इंद्रो वृदशवा ससिन पूखा विश्ववेदा ससिन स्तारिक्षो वरिष्ठ नेमी ससिनो बृहस्पति हमारे कांग्रेस के नेता भूतपूर्व मंत्री लखन गंगोरिया जी, भूतपूर्व मंत्री मेरे मंत्रिमंडल में थे ओंकार मनकाम जी, नारायण पट्टा जी, हमारे डॉक्टर मस्कोले जी, हमारे भूपेंद्र मरावी जी, हमारे रामू तेकाम जी, अध्यक्ष राकेश तिवारी जी, हमारे यहाँ के प्रभारी संगठन मंत्री सुकृति जैन जी, हमारे नितिन चौरसिया जी, सभी यहाँ आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चे, मेरे साथ, ये अब नारे बंद करिए, मेरे साथ मिलके सब बोलेंगे, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती की, रानी दुर्गावती की। बड़े देव को मैं प्रणाम करता हूं, मैं राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, दलपत शाह, रानी अवंती बाई को प्रणाम करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, आप को मिलकर बड़ी खुशी हुई आज, बहुत दिनों बाद मैं मंडला आया हूं, और मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्किट हाउस गया था, और याद कर रहा था कि कितनी रातें 40 साल पहले, 42 साल पहले मैंने, जब इन बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ था, मंडला के सर्किट हाउस में काटी है।
वो समय को मैं याद कर रहा था। मंडला और मेरे जिला छिंदवाड़ा में समानता है। छिंदवाड़ा भी एक आदिवासी जिला है। छिंदवाड़ा जिले की आदिवासी जनसंख्या मंडला के जनसंख्या आदिवासी जनसंख्या से ज्यादा है और मैं 42 साल से 44 साल से छिंदवाड़ा की आदिवासियों की सेवा कर रहा हूं। मुझे यहां आकर खुशी होती है पर दुख होता है आप सबकी बात सुनकर। कभी कोई मुआवजे की बात करता है, कभी कोई कॉलेज की बात करता है, मेडिकल कॉलेज की, कभी कोई लिफ्ट इरिगेशन की बात करता है, पुलिस की समस्याओं की बात करता है। मुझे दुख होता है आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। चौपट राज, चौपट सरकार, चौपट मध्य प्रदेश, प्रदेश में 18 साल से ये चौपट सरकार चल रही है। 18 साल के इस चौपट सरकार ने मध्य प्रदेश का भविष्य चौपट किया। चौपट रोजगार योजना, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट नर्सिंग व्यवस्था, चौपट उद्योग धंधे, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट नदियां, चौपट कानून व्यवस्था। आज आप केंद्र सरकार के आंकड़े पढ़िए, मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां आदिवासियों पर सबसे ज्यादा हमला होता है। हमारे आदिवासी भाइयों को ये मैं नहीं कह रहा, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। ये चौपट सरकार ने मध्य प्रदेश के भविष्य को चौपट किया। आज मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि 4-5 महीनों में चुनाव है। चुनाव में हर चुनाव का अपना मायने होता है। जनपद के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, नगर निकाय के चुनाव होते हैं, विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है। हर चुनाव के अपना मायने है। 4 महीने बाद जो विधानसभा का चुनाव है ये केवल एक विधायक या एक पार्टी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगी। ये चुनाव इन नौजवान जो खड़े हैं इनका भविष्य तय करेगी। ये इस चुनाव की हमारी देश की संस्कृति सुरक्षित रहेगी ये तय करेगी। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं। कितने धर्म है अपने देश में, ये मत करिए। कितने धर्म है अपने देश में, कितनी जातियां हैं अपने देश में, कितनी भाषाएं हैं अपने देश में, कितनी देवी देवता हैं अपने देश में, कितने त्योहार हैं अपने देश में। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। पर आज हमारा देश एक झंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। आपके गांव में आदिवासी हैं, हर जात के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, भाईचारे से रहते हैं क्योंकि ये हमारे देश की संस्कृति है। पर आज इस संस्कृति पर जो हमला हो रहा है, आप ये आदिवासी जिले में बैठकर पढ़िए मणिपुर में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, कितने लोगों की मौत हो रही है रोज, कितने मकान जलाए जा रहे हैं, आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच में विवाद, भाजपा की सरकार है। आज ये चिंता का विषय है जो मणिपुर में हो रहा है। ये तो मणिपुर तो शुरुआत है, किस तरह हम बांटे हैं। हिंदी का विवाद तमिलनाडु में, पंजाब में खालिस्तान के नारे, ये आज तस्वीर आप सबके सामने है।
और आपको इस संस्कृति के रक्षक बनना है। आज कैसा प्रदेश हम आगे आने वाले पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, ये आज सामने हमारे प्रश्न है। आप आगे आने वाली पीढ़ियों के रक्षक हैं, आप इस संस्कृति के रक्षक हैं। और हम प्रदेश की ओर देखें, अपने यूथ नौजवान बिना काम के, किसान बिना दाम के, शिवराज जी आप किस काम के, ये मैं पूछता हूं। आपने दिया क्या शिवराज सिंह जी, आपने दिया क्या, मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या। आपने महंगाई दी शिवराज जी, आपने बेरोजगारी दी, आपने भ्रष्टाचार दिया। आज मध्य प्रदेश देश का सबसे भ्रष्ट प्रदेश है। पैसे दो काम लो, किसी की 50 एकड़ जमीन हो पैसे दे दो, आपका गरीबी रेखा में नाम जुड़ जाएगा। सही बात है, ये आज हालात हैं। और शिवराज जी आपने माफिया राज दिया, बलात्कार दिया, आदिवासियों पर अत्याचार दिया। और एक और चीज शिवराज सिंह ने दी, घर घर में दारू दी, ये शिवराज सिंह जी की उपलब्धि है। मैं आपका बस ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैं तो वचन देता हूं कि कांग्रेस के आने सरकार आने पर हम बच्चों की अच्छी शिक्षा, बीमार का इलाज, रोजगार के मौके, मध्य प्रदेश में उद्योग लाने का प्रयास। यहाँ इन्होंने काम औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ ये औद्योगिक क्षेत्र का क्या हुआ? 2018 में नवंबर दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनी थी, 15 महीने की सरकार थी, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए। 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। आज मध्य प्रदेश की गवाह है कि 11.5 महीने में आदिवासी भाइयों के लिए, अगर आप कहते हैं आदिवासी दिवस की छुट्टी, ये तो छोटी बात है। हमने एक शुरुआत करी थी आदिवासी हितों के लिए, आपने सुन ली, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। पर अपना प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती जो है इन नौजवानों की भविष्य की है। अगर हमारा नौजवान आज हमारा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, मध्य प्रदेश मंडला जिला पलायन की राजधानी बन गई है। जहां जहां जाओ मध्य प्रदेश का बच्चा मिलता है, पलायन करके गया है रोजगार की खोज में। अगर इन नौजवानों का भविष्य अंधेरे में रहा तो मध्य प्रदेश का भविष्य क्या होगा? यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। यह सबसे बड़ी चुनौती है। कृषि क्षेत्र तो है, पर सबसे बड़ी चुनौती नौजवानों की भविष्य की है। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज के नौजवान में एक तड़फ है, वो ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। ये आज सबसे बड़ी चुनौती है। पर शिवराज सिंह जी घोषणा करते रहेंगे कि 1 लाख, हर 11 महीने ये घोषणा करते हैं, मैं 1 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, शिवराज जी आप रिक्त पद ही भर दीजिए, बाकी बात छोड़िए, रिक्त पद भर दीजिए। हमारे संविदा को, हमारे जो अतिथि शिक्षक हैं, हमारे अतिथि विद्वान हैं, इनके भर्ती कर लीजिए। ये आप रोजगार की, आज नौजवान की ये आवाज नहीं सुन पाते, इनके कान नहीं चलते। आज हमारे गरीब आदिवासी किसान का दुख नहीं नजर आता, इनकी आंख नहीं चलती, आंख नहीं चलता, कान नहीं चलता, पर इनका मुंह बहुत चलता है, मुंह बहुत चलता है। घोषणा करते जाएंगे, आज चुनाव 5 महीने दूर है, तो इनकी घोषणा मशीन
डबल स्पीड पर चल रही है, डबल स्पीड पर। इनकी झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, इनकी भूमि पूजन की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। जा जाओ भूमि पूजन कर लो। अब तो मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। ये जगह जगह मैं जाता हूं, यही नारा है, शिवराज सिंह जी समय आ गया है। 18 साल बाद आपको बहनें याद आई, 18 साल बाद आपको नौजवान याद आए, 18 साल बाद आपको किसान कर्मचारी याद आए, 18 साल बाद, 18 साल आप क्या कर रहे थे? मैं तो आपको बस वचन देता हूं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, हम खास करके मंडला से जिससे बहुत पुराना संबंध है, एक विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, चाहिए आपको 500 रुपए? माता और बहनों को हर महीने 1500 रुपए देंगे, चाहिए आपको? किसान भाइयों का कर्जा माफ करेंगे, हमने तो पहले किश्त में हमारे मंडला में 23,000 किसानों का कर्जा माफ किया था। अब दूसरा किश्त स्टार्ट होगा, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन हम देंगे, ये हमारा वचन है। और 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ, चाहिए आपको? युवाओं को रोजगार और उद्योग, चाहिए आपको? अपने पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देंगे, ये हमारा वचन है। और मैं ज्यादा ना कहते हुए आपको तो बस सावधान करना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा आप रक्षक हैं, आप मंडला के भविष्य के रक्षक हैं, आप इन नौजवानों के भविष्य के रक्षक हैं, आप मध्य प्रदेश के भविष्य के रक्षक हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 महीने बाद आप इसकी रक्षा करेंगे। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर तस्वीर रख ले जी अपने सामने प्रदेश की, सच्चाई का साथ जरूर दे देना। आप सच्चाई का साथ देंगे, सच्चाई का साथ देंगे तो मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये आपके सामने चुनौती है, यही मेरे आपके सामने प्रार्थना है। और मुझे पूरा विश्वास है, मंडला पर मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव के बाद मंडला जिले के हर 3 सीटों का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी राज में प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। मंडला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मंडला भ्रष्टाचार की राजधानी बन गया है, यहां बेरोजगारी और पलायन की समस्या लगातार बढ़ रही है, माफिया राज से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश बना दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि अब जनता शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी को विदा करने के लिए तैयार बैठी है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में नंबर एक है, चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट पोषण व्यवस्था, चौपट उद्योग धंधे और हाल में महाकाल का घोटाला प्रदेश का नाम पूरे देश में शर्मसार किया है। खोखली सरकार द्वारा बनाई गई खोखली मूर्तियां उड़ गई। पीसीसी चीफ ने कहा कि अब जनता शिवराज सिंह की कलाकारी और नाटक को समझ गई है। उन्होंने 18 साल में 22,000 घोषणाएं की, आज प्रदेश में पैसे दिए बिना कोई काम नहीं होता। शिवराज सरकार ने प्रदेश को भ्रष्ट प्रदेश बना दिया है और अब उन्हें 18 साल बाद बहनें, किसान, नौजवान याद आ रहे हैं।